हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बोन ग्रीन में, और यहाँ मैं आपके साथ एक विजिट शेयर करने वाली हूँ। नर्सरी का विजिट है, बहुत ही खूबसूरत नर्सरी, बहुत ही प्यारे हेल्दी प्लांट्स। आई होप कि आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज कुछ भी वीडियो नहीं है किसी प्लांट के बारे में, जस्ट एक गार्डनिंग व्लॉग है। ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा पूरा वीडियो। और कुछ प्लांट्स की शॉपिंग की थी वो भी आपसे शेयर करूँगी, कुछ नाम भी मेंशन करूँगी प्लांट्स के जो मैंने लिए थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हम एंटर हो गए हैं यहाँ से, और काफ़ी एंट्रेंस पे ही इन्होंने जो हैंगिंग्स हैं वो लगा रखी हैं। यहाँ पे देसी रोज़ नज़र आया मुझे, और उससे आगे आए तो यहाँ वेजिटेबल्स की कुछ पनीरियाँ विंटर की ही पड़ी थी इनकी। कुछ हैंगिंग्स में इन्होंने वाइन्स लगा रखी हैं जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऑल्दो मैंने परचेज़ नहीं की है, बट आई विश कि मैं नेक्स्ट विजिट पे इनसे परचेज़ करूँ। और यहाँ पे थे पटूनियाज, पटूनियाज के अलावा विंटर के ही थे, और विंटर की ही कैबेज इनके पास लगी हुई थी। जो सैपलिंग्स इनकी बच जाती हैं वो इस तरह से यहाँ पे लगा देते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो जाएं और फ्रूट दें। सो आगे जाते हैं तो यहाँ पे है कूचिया। कूचिया भी रेडी था इनका बिल्कुल ही, और मैंने परचेज़ किया था, बट जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली ये मेरा वापसी आते हुए पॉट वहीं रह गया, नहीं ला सकी मैं इसको, मिस हो गया। तो बाकी सारे प्लांट्स भी कुछ समर कुछ विंटर मिक्स पड़े थे। यहाँ पे कॉस्मोस है, बहुत ही हेल्दी कॉस्मोस रेडी थे। मैंने 3 कलर लिए हैं यहाँ से, और कुछ उन्होंने अभी सैपलिंग्स वो रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी थे कॉस्मोस उसमें 3 कलर थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो ये ऑरेंज वाला है, बाकी दूसरी साइड थे। तो मैंने 3 परचेज किए हैं सेम। यहाँ पुराने इनके पटूनियाज हैं, सारे कलर्स अवेलेबल थे इनके पास, बट अभी बाय करने का फ़ायदा नहीं था कोई भी, क्योंकि विंटर तो निकल गया है, अभी बाय करके क्या करेंगे। सिलोसिया था यहाँ पे, उसके अलावा पोटुला का है, हाइब्रिड भी था, दूसरा भी था देसी वाला भी। ये सारे इनकी जो सैपलिंग्स बच जाती हैं वो वाली इन्होंने लगाई थी। अच्छा, किकम्बर थे यहाँ पे, और जो सैपलिंग बची हुई हैं वही उन्होंने यहाँ लगाई हुई हैं, और बहुत अच्छे से उनमें किकम्बर्स भी आए हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। सो जो मैंने किकम्बर की उनसे वाइन ली थी, मैं उनके पास सैपलिंग नहीं थी, मैं 2 ही ले पाई हूँ उनसे। सो मैंने कुछ वेजिटेबल्स यहाँ से ली, कुछ की सैपलिंग्स मिली और कुछ की नहीं मिल पाई, और कुछ मैंने 2-3 प्लांट भी परचेज़ किए जो कि मैंने जीनिया कॉस्मोस और वॉन्डिंग जू लिए थे यहाँ पे। और काफ़ी सारी कटिंग्स इन्होंने लगा रखी थी जो कि अभी रेडी हो रही थी, अभी रेडी नहीं हुए थे प्लांट, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा ले पाई हूँ। यहाँ पे है जीनिया, जीनिया 3 कलर में लिया, बहुत हेल्दी सैपलिंग्स थी। और इसे आगे चलते जाएँ तो वहाँ पर इनके पास जो है वो कॉस्मोस में छोटी सैपलिंग्स पड़ी हुई थी, और साथ ही वेजिटेबल्स की सैपलिंग्स थी। तो वेजिटेबल्स के भी हाइब्रिड सीड्स के ही सारी सैपलिंग्स रेडी थी इनके पास, और कुछ मैंने ली हैं, कुछ नहीं भी मिल पाई हैं। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगी थोड़ा आगे, वो थे इनके पास मिनिएचर वैरायटी का रोज़ था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें 3 से 4 कलर थे, ये कॉस्मोस का 2nd और 3rd कलर है। तो ये तीनों मैंने बाय किए हैं इनसे, और ईच की प्राइस जो थी वो 50 रुपी थी विद पॉट, और बिल्कुल फ्लावरिंग पे था प्लांट। तो ये है वो वाला मिनिएचर वाला रोज़ जो कि बहुत अच्छा लगा, कटिंग्स लगी हुई थी यहाँ पे इन्होंने लगाई थी। सो नेक्स्ट विजिट पे मैं ज़रूर इनसे बाय करूँगी, बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे उनके ऊपर फ्लावर्स आए थे, और हम मुझे यहाँ पे किसी भी नर्सरी में नज़र नहीं आए, सिर्फ इन्हीं के पास मुझे ये मिनिएचर वैरायटी नज़र आई है। तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी उसको अपने गार्डन में। यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं इनकी सारी, और सैपलिंग्स रेडी हो रही हैं। सो बहुत सारे प्लांट्स हैं, अब सारे तो हम ऐड नहीं कर सकते, बट ओवरऑल इनकी लुक शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे इनका कटिंग्स एरिया है, सारी कटिंग्स ही रेडी हो रही थी जितने भी समर या विंटर के प्लांट्स से जो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, लीव से प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो सारे ही उन्होंने जो ट्रेज हैं वो लगा रखी हैं बहुत अच्छे से। तो कुछ प्लांट्स की कटिंग्स रेडी थी और कुछ की नहीं थी, जस्ट अभी उन्होंने कुछ ही टाइम हुआ था लगाई थी, रूट्स नहीं डिवेलप हुई थी, सो मैं नहीं लिए हैं। जस्ट मैंने इंग्लिश आईवी का प्लांट परचेज़ किया है इनसे, वो भी कटिंग नहीं मिल पाई। 3 से 4 प्लांट रेडी थे, उनमें से एक मैंने लिया है, और सेटअप आप देखो कितना अच्छा है इनका कटिंग्स का, तो ऑब्वियसली कटिंग्स भी अच्छे से ग्रो करेंगी। सो आगे चलते जाएं तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इनका कैक्टस का एरिया था, और साथ ही सकलेंट्स का, तो उनको भी इन्होंने प्रोपोगेशन के लिए लगा रखा था, और किसी को
जो है वो कटिंग्स भी लगी हुई थी। सो नर्सरीज में फिर आपको पता है ये सब तो चलता है। यहाँ पे मैंने देखी सारी जो आईवी की वैरायटी थी इनके पास, और समझ में नहीं आ रहा था कौन सी वाली लूँ। सो मैंने ये वाली चूज़ की, स्मॉल लीव्स वाली, सारी ही बहुत खूबसूरत थी। और ये मुझे पॉट के साथ, हैंगिंग पॉट के साथ 200 रुपीज़ में मिला था। ईच पॉट कोई भी आप लेना चाहो। सो रेट्स भी रिजनेबल थे, ना तो बहुत ज़्यादा थे ना बहुत कम थे। बट पॉट्स अवेलेबल नहीं थे और प्लांट्स अभी रेडी अवेलेबल नहीं थे इनके पास। सो बहुत ज़्यादा नहीं परचेज़ किए हैं। तो इसी तरह है, आप हर विज़िट पे कुछ प्लांट्स ले लेते हो, कुछ नहीं भी ले लेते हो। कोलियस का था, कोलियस नहीं मिल पाया है क्योंकि अभी इन्होंने कटिंग जो है वो बिल्कुल रेडी नहीं हुई थी। तो वॉन्डिंग जू लिया मैंने 3 कलर में, और वो मुझे एक प्लांट जो है वो भी 50 का ही मिला, एक प्लांट रेडी इनका और विद पॉट मिला था। पॉट उनका जो था वो 8-8 इंच के पॉट में उन्होंने लगा रखे थे। बिगोनिया के बहुत कलर्स थे, बहुत वैरायटी थी इनके पास, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी भी ब्लूम कर रहे थे वो अच्छे से। तो यहाँ पे थी वॉन्डिंग जू ग्रीन वाली, और दूसरी साइड पे थी ये, सॉरी, वेरीगेटेड थी थोड़ी वाइटिश वाइटिश वाली, और एक वो पर्पल वाली। सो 3 ली हैं मैंने, ग्रीन, पर्पल एंड वो जो मिक्स वाली है, वाइट और ग्रीन वाली। तो नर्सरी पे जाओ और प्लांट्स ना खरीदो, ऐसे हो नहीं सकता। सो आप भी इंजॉय कीजिए, कुछ मैंने लिए हैं, वीडियो में शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम आपसे, जब अपने गार्डन की कोई वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी मैंने कुछ प्लांट्स ले लिए हैं उनसे, और अभी हम जो है वो बाकी प्लांट्स बस देख रहे हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिएगा वीडियो को, प्लांट्स को, और अगर नहीं आपने कभी ग्रो किए हैं तो ज़रूर ग्रो कीजिएगा। जो प्लांट्स इजी टू ग्रो हैं उनको ज़रूर अपने घर में, अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। और इसी तरह दुआ में याद रखिएगा, वीडियोस पे आते रहिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। मिलूंगी फिर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।